तो दोस्तों ये है जी हुंडई 215 का बूम होल्डिंग वाल्व का कैप, और ये है बूम होल्डिंग सॉरी बूम का स्पूल 1, और ये है स्पूल 2, ये वाला 1 और 2। और इसी कैप के अंदर होता है होल्डिंग वाल्व, जो कि मैंने पहले खोल दिया है। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये मैंने पहले खोल के रखा हुआ है। ये पोपेट है, ये इस होल के अंदर पड़ा होता है। अभी मैं इसकी जगह नया लगाऊंगा, वो भी दिखाता हूँ आपको। और इस पॉपेट के ऊपर ये वाल्व होता है, एक और छोटा पॉपेट, ये चेक वाल्व है एक्चुअली ये वाला, और ये पॉपेट है। तो ये ऐसे रखा होता है, और उसके ऊपर से ये वाली कैप को जब इसको हम ऐसे करके डाल देंगे ना इसके अंदर, तो ऐसे इसको कस देते हैं यहाँ पे। अभी मैं सिलेंडर डाल रहा दोबारा, फिर से निकालना मुश्किल हो जाता है इसको, तो ये ऐसे कस जाता है। तो अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, इस मशीन में प्रॉब्लम है, बूम ना होल्ड नहीं करता है, देखने बूम को ये होल्ड नहीं करती। अगर हम बूम ना हवा में छोड़ेंगे थोड़ी देर बाद नीचे नीचे नीचे, तो गौर से देखो शायद दिख जाए। यू कैन यू फोकस ऑन दिस, कि यहाँ पे ना सीट जो है ये ख़राब हो चुकी है, और ये ऊपर से भी फ्लैट होता है, ये कट चुका है। और जहाँ जाके इसने बैठना है इसके अंदर, तो ये अगर ये सीट ख़राब है, अगर ये वाली सीट ख़राब है, तो इसके अंदर जो सीट है वो भी ख़राब है। तो ये यहाँ से प्रेशर लीक कर जाता है धीरे धीरे, और होल्डिंग वाला अपना काम नहीं करता। होल्डिंग वाला काम होता है बूम को होल्ड करके रखना, जब ये होल्ड नहीं करेगा बूम को हवा में, तो ये बूम नीचे आ जाएगा। ऐसा ही ये होता है आर्म के अंदर, ये आर्म का 1 नंबर स्पूल, ये आर्म का 2 स्पूल। तो 2 में नहीं होता, ये 1 में होता है ऐसे बूम में जैसे। तो अभी मैं एक किट, मेरे पास पूरी की पूरी नई किट है, उसको लगा देंगे हम। हमारी मशीन अभी फ़िलहाल स्टार्ट है नहीं, क्योंकि हमने इसमें इंजन भी रखा, काफ़ी कुछ रखा है। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे उस टाइम दिखाएंगे बूम हमारा होल्ड हो रहा है हवा में, कि बूम हवा में होल्ड होता है कि नहीं होता। एक्चुअली इसके को बूम की हमने सीले भी डाली हैं, वो भी ख़राब थी, लीक थी, लेकिन उसकी कोई रीज़न नहीं है कि बूम होल्ड नहीं होएगा सीलों से। अगर पिस्टन वाली सील ख़राब होएगी तो शायद नीचे आ सकता है बूम, लेकिन ऐसे नहीं आ सकता। तो अभी ये होल्डिंग वाली किट है पूरी, इसके अंदर ये बदल के हो सकता है इस वीडियो को मैं किसी और वीडियो में ऐड करूं, जिस दिन किसी वीडियो में प्रॉब्लम आएगी। तो ये पूरी किट आती है इसके अंदर, किट के अंदर पॉपेट, सीट, स्प्रिंग, ये इसका ऊपर का मैकेनिज्म जो सारे होल्डिंग वाल्व को लॉक करके रखता है अंदर, और ये चेक वाल्व। कई बार ये जो अंदर सीट दिख रही है, शायद वीडियो में दिख रही होगी नहीं, ये भी लीक कर जाती है, तो ये भी निकल आती है, लेकिन ये सिंगल मिलती नहीं बाहर, नहीं तो इसको भी बदल दें तो भी काम चल जाता है। तो अभी पहले चेक वाल्व जाएगा नीचे, के बाद ये पॉपेट और इसका वाशर इस पोजीशन में इसके बीचों बीच रख देंगे, ऐसे खड़ा हो गया सीधा आराम से। अब ये जो इसका लॉक है ऊपर वाला जो सीट है, इसके अंदर सीट भी है और ये खुद ही लॉक है, इसका नट है। तो इसको हम धीरे से सीधा रख के कस देंगे, जब इसको कसना है ना हाथ से कसना है। अगर पिन जो हमने नीचे रखी गिर जाएगी और आप चाबी से कसोगे पता नहीं लगेगा, टूट जाएगी। हाथ से कसोगे जब तक ये जाके नीचे ना लग जाए, समझो सीधा है। अगर ये नीचे नहीं लग रहा इसका मतलब पिन गिर चुकी है, उसको दोबारा से देख लो चेक करके। तो ये अभी मैंने रख दिया, और उसके बाद इसको देंगे हम कस। तो कसने के बाद इसके अंदर एक और
एक और कोई पतली सी चीज़ लेके उस जो अंदर हमने पोपट रखा है उसको दबा के देखो ये दब रहा है कि नहीं। ये देखो मेरे वाला ये दब रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, इट मीन्स सही फंक्शन कर रहा है। तो अभी इसको हम पूरा कस देंगे। और ये जो पिन है जो पहले मैं इसको कस लूँ, पहले एक्चुअली तो जी इसको कसने के बाद ये एक और पिन होती है जो कि होल्डिंग वाल की कैप के अंदर होती है। तो बंदे क्या करते हैं ना, पहले पिन को रख देंगे और ऊपर से इस कैप को रखते हैं। तो ये पिन कई बार तिरछी रह जाती है, टूट जाती है, सारा नया के नया मैकेनिज्म ख़राब होता है। तो इसको लगाने के लिए एक साइड से ना इसका शार्प एंड है, एक साइड से फ्लैट है। तो जो फ्लैट एंड है इसके अंदर जाएगा और उसको ऐसे डाल के करना क्या है कि इसको ऐसे ना होल्ड कर लो एक उंगली से, ठीक है। अभी गिरेगी नहीं नीचे, धीरे से जहाँ तक आपकी उंगली जा सकती है ना उसको नीचे लेके जाओ। जब मेरी उंगली ने अभी टच हो गई नीचे होल्डिंग वाल पे जाके, अब धीरे से मैंने उसको उसके अंदर डाल दिया, लूज छोड़ दिया और अपनी उंगली बाहर निकाल ली और इसको ऐसे कस दो, आराम से बैठ जाते हो। नहीं तो कई बार मैंने लड़के देखे तोड़ के फिर फोन करते हैं भाई ये तो टूट गया, तो ऐसे रख के कभी ना कसो। अब इसके बोर्ड लगा देंगे हम, फिर जब मेरी मशीन स्टार्ट होगी फिर मैं दिखाता हूँ कि होल्डिंग वाल हमारा अब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि पहले इस मशीन में दिक्कत थी, बूम हवा में होल्ड नहीं होता था। अगर दो मिनट के लिए छोड़ो तुरंत नीचे आ जाता था। तो आई होप दिक्कत तो यही है मेरी, और अगर नहीं हुई है सही प्रॉब्लम तो भी देखेंगे कुछ और क्या दिक्कत है। तो दिखाते हैं जी, अभी हमने इस मशीन में इंजन बदला, बहुत कुछ बदला इस करके। अभी पहले इसमें तेल डालना है, हाइड्रोलिक ऑयल, फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। चलो वो कहानी अलग है। तो ये होल्डिंग वाल हो गया सेट नया, और होल्डिंग वाल का काम क्या होता है ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाई कैन यू गुड कैमरा मैं फेस। तो बूम और आरएम में होल्डिंग वाल होता है सिर्फ मोस्टली मशीनों में, जो 20 टन की 30 टन की मशीन है इनमें सब में। तो इसका काम क्या होता है कि बूम भारी चीज़ है, आरम भी भारी चीज़ है, तो उसको हमने अगर काम करते करते किसी कारण से छोड़ना है, वहाँ में रोकना है, तो उनको अपनी जगह पे होल्ड करके रखे उसके लिए। एक तो इसमें बूम में और आरम में डबल स्पूल दिए होते हैं, क्योंकि एक स्पूल से ना तो एक छोटा रास्ता होएगा, तो अगर हमने तेल पहुँचाना है उतना तेल नहीं जा पाएगा जितना भेजना है, तो अगर डबल रास्ते होंगे तो जल्दी से तेल जा पाएगा, तो इसका मतलब स्पीड जल्दी आएगी। और डबल रास्ते होंगे तो एक जगह को, एक ही प्रेशर को, एक ही फोर्स को अगर हम दो जगह डिवाइड कर देंगे तो उसको होल्ड करना या उसको मैनेज करना आसान है। तो इसलिए इन सर्किट में बूम में और आरम में दो स्पूल होते हैं। और होल्डिंग वाल का काम है कि भाई अगर हमने जैसे बूम को या आरम को हवा में छोड़ा, जहाँ पर भी छोड़ा है वहाँ पर रुकी रहे, नीचे ना आए, तो उस फंक्शन को। बीच में एक फ़ोन आ गया था इससे करके मैं भूल गया कहाँ बता रहा था। तो होल्डिंग वाल कैसे काम करता है, ये पोपट देख रहे हैं जो मैंने पन्नी में डाल दिया पुराने वाला, मेन इसी का काम है। ये क्या करता है, जो बूम की जो नीचे आने की लाइन है, मतलब जब बूम का वजन जो पिस्टन साइड से तेल जा रहा है, जो पिस्टन को ऊपर का उठाता है, उस साइड की जो लाइन है उस लाइन में इसको लगा के रखते हैं। उससे क्या होगा, अगर हमने लीवर छोड़ दिया पहले तो स्पूल बंद हो जाएगा और तेल को नहीं जाने देगा, और जो उधर से प्रेशर बना हुआ है बूम के वजन के कारण लाइन के अंदर, उस लाइन में इसको डाल देते हैं, तो ये सारे तेल को रोक के रखता है। और ये जो छोटा सा मैंने पॉपेट दिखाया था उसका सिर्फ काम इतना सा है, जब हमने लीवर लगाना है उसी टाइम यहाँ पर प्रेशर आएगा स्पूल को दबाने के लिए, और उसी टाइम दूसरे पाइप से प्रेशर आएगा इस पॉपेट को जो है ये वाला, इसको हल्का सा ऊपर उठा देता है, वो तेल का रास्ता खुल जाता है। जब तेल का रास्ता खुल जाएगा तो फंक्शन शुरू हो जाएगा। हम जैसे हम लीवर से हटा लेंगे स्प्रिंग के कारण तेल का रास्ता बंद हो जाता है अपने आप, और सारा लोड ये पकड़ के रहता है। वैसे तो इसी लाइन में एक और चेक होल्ड वाल लगा होता है, उसके बाद इसका काम है सारा प्रेशर को होल्ड करके रखना। तो अगर ये पॉपेट ख़राब हो जाए तो धीरे धीरे ये वाल जो होता है हमारा ये ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठने के कारण
प्रेशर लीक होने लगता है और बूम धीरे 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 डाउन हो जाता है। तो अगर ऐसी दिक्कत आए तो होल्डिंग वाल्व चेक करें, अगर ख़राब है तो बदल दें। चेक करने का तरीका मोस्टली इसको खोल के पता लगता है, और कोई तरीका नहीं इसका। ओके जी, कहेंगे आपको कैसे प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो अगर बूम नीचे आ रहा है तो सारे मतलब ये नहीं हमेशा यही ख़राब है, लेकिन मोस्टली यही ख़राब होता है। हो सकता है पिस्टन की सील चलेगी, हो सकता है स्पूल ख़राब है, हो सकता है कोई और कारण हो, वो अलग चीज़ है। हो सकता है ओआरवी इसकी ख़राब हो इस लाइन की। लेकिन जब प्रेशर लेंगे हम, अगर प्रेशर पूरा आ रहा है सिस्टम का 320 bar, तो इट मीन्स ORV का प्रेशर भी ठीक है। अगर ORV ख़राब होगी तो 320 से पहले रिलीज़ हो जाएगी। मैं MRV है, MRV का प्रेशर होता है 320, और ये बूम की ORV है, ये आर्म की ORV है, और इधर ये बकेट की ORV है। ऐसे ही दो नीचे लगी, तीन नीचे लगी हैं, तीन ही ऊपर है। तो जो मेन MRV है, जिस सारे सिस्टम का प्रेशर मेंटेन करके रखती है, हमेशा उससे 40 से 50 bar ORV का प्रेशर होता है। मान लो 320 MRV का, तो 370-360 ORV का होगा। तो अगर ORV ख़राब हो जाएगी तो जैसे ही आप प्रेशर लोगे तो तुरंत प्रेशर आएगा MRV का, और अगर उससे भी नीचे प्रेशर आ रहा है, 300 आ रहा है, 320 आ रहा है, 310 आ रहा है, तो फिर किसी और फंक्शन का प्रेशर लेके देखो। किसी और फंक्शन का प्रेशर अगर ठीक आ रहा है, जैसे बकेट का ठीक आ रहा है, आर्म का ठीक आ रहा है, लेकिन सिर्फ बूम का प्रेशर कम आ रहा है, इट मीन्स ORV से प्रेशर रिलीज हो रहा है, जिसके कारण ORV ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे पता लगा लेते हैं केज लगा के। लेकिन ज़रूरी नहीं ये भी ख़राब हो, कई बार सील कट जाती है, हो सकता है कई बार स्पूल ख़राब हो। मोस्टली चेक करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, तो पता तभी लगता है जब बंदा करता है और खोल के देखता है चीज़ों को। लेकिन मोस्टली पता लग जाता है केज लगाने पे, लेकिन 100% नहीं होता कभी भी कि ये लगाया प्रेशर आया तो यही होगा। कई बार खोलते कुछ हैं सिम्टम्स बता रहे होते हैं कि ये चीज़ ख़राब है, लेकिन जब खोलते हैं और चीज़ ठीक निकलती, कुछ और भी ख़राब हो सकती है। ठीक है जी, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, बताएंगे और कुछ। बाय बाय।